वन आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज तो आगे नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन सो so जो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऑलरेडी ऑलरेडी वन थाउजेंड हम कर चुके हैं और रेगुलरली ट्वेल्व थर्टी आते हैं और तो आप इस चैनल पे बने रहे ताकि आप रेगुलरली जो क्वेश्चंस है देख पाए आज हम करेंगे 1081 क्वेश्चन एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है देखो टाइम वेस्ट मत करो आप लोग अपना भी क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है लिमिटेड टू टू फोर मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए और आर की वैकेंसी के लिए अच्छे अच्छे बच्चे कंपीट कर रहे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी और आप लोग हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस होता है ठीक है सो फिफ्टीन हंड्रेड का बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है उनको मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और ज़्यादा फोकस एम सी क्यू क्लासेज रहेंगी टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे इसमें ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के बैच में रहेंगी आपकी थ्यूरी क्लासेज जिसमें आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर किया जाएगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ हर एक ऑर्गन को समझेंगे इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर थ्यूरी रहेगी एम सी क्यू क्लासेज रहेगी टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर तो कोई भी बात जो है आप जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं दोनों ही बैचेस थ्री मंथ्स के हैं तो बच्चा डीले मत करो आप लोगों के लिए ही अच्छा है कि आप डीले मत करो और फटाफट से बैचेस को ज्वाइन कर लो ठीक है तो चलती हूँ मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कोल्ड है सो तो अगर किसी को किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना ठीक है सो so, क्वेश्चन uh, देखो क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रीनल ग्रांड सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो इनमें से कौन सी लेयर है एड्रीनल ग्लैंड की जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती है एड्रीनल मेड्यूला जोना ग्लोमेरुलोसा जोना रेटिकुलारिस जोना फेसिकुलेटा सो देखो जो एड्रीनल मेड्यूला है ये तो एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एंड को सिक्रीट करती है ठीक है ना एक तो एडरनलिन एंड नॉन एडरनलिन इसको आप कैसे याद कर सकते हो ये होता है बाय द एड्रीनल कॉटेक्स बच्चा ठीक है एड्रीनल कॉटेक्स की तीन लेयर्स होती हैं अब ये लेयर्स को आप कैसे याद करोगे सबसे पहली जो लेयर होती है इज योर जी उसके बाद जो लेयर होती है दैट इज योर एफ देन जो आपकी लेयर होती है दैट इज योर आर ठीक है इसको ऐसे आपको याद करना है जी से लेयर होती है ग्लोमेरुलोसा ठीक है जो यहां पे लिखी है ग्लोमेरुलोसा एफ से जो लेयर होती है दैट इज योर ठीक है और जो आर से जो लेयर होती है दैट इज योर रेटिकुलरिस तो इसको आप कैसे याद करोगे हम क्लासेस में भी ऐसे ही अच्छे से क्लासेस में एक्सप्लेन करके मैं सब चीजों को समझाती हूं ताकि आपको ट्रिक से हर एक चीजों को याद रखो आप सो so जी से जो है दैट इज योर जीएम जीएम का मतलब मिनरेलोकॉटिकॉइड्स ठीक है मिनरेलो कॉटिकॉइड्स को ये सिक्रीट करती है एफ से क्या होगा आपका सो so, ये सिक्रीट करती है आपका सो so, एफ से क्या होगा इसको मैं बोलती हूँ जी एफ जी एफ क्या सिक्रीट करती है जी से होता है ग्लूकोकोटिकॉइड्स ठीक है और जो आपकी रेटिकुलारिस है ये सिक्रीट करती है आपके सारे एंड्रोजन्स ठीक है एंड्रोजन तो यहाँ पे हमें पूछा है इन्होंने ग्लूको कॉटिकॉयड के बारे में ग्लूको कॉटिकॉइड भाई कौन सिक्रीट कर रहा है ये हमें बता दो सो आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हमारी फेसिकुलेटा वाली लेयर है वो क्या करती है ग्लूको कॉटिकॉइड्स को इनको हम वंडर ड्रग भी बोलते हैं कॉटीजोल सुना होगा आपने नाम वंडर ड्रग्स कौन सिक्रीट कर रहा है सो एड्रीनल कॉटिक्स ये वंडर ड्रग्री जो है सिक्रीट करता है

और अलर की आप पेटेंसी चेक करते हो पेटेंसी क्यों चेक करते हैं कि भाई आर्टरी में कैनुलाइज़ेशन होने वाली है सर्कुलेशन प्रॉपर है ठीक है बाकी जो ये टेस्ट लिखे हैं ये तो एक रिसर्च का टेबल होता है ठीक है रिसर्च में यूज होता है ये टेस्ट सीआरटी आपको पता है कैपिलरी रिफिल टाइम जो कि आप सर्कुलेशन चेक करने के लिए करते हो बोगो टेस्ट में आप क्या करते हो पेशेंट का जो पेशेंट को लिटा देते हो और उसकी लेग को ना 45 डिग्री एंगल पे ऐसे रखते हो और इस लेग को आपको टू टू थ्री मिनट्स के लिए रखना होता है अगर तो ये पिंकिश ही रहती है टू टू थ्री मिनट्स के बाद देन ये टेस्ट जो है वो नेगेटिव है पेशेंट बिल्कुल ठीक है उसकी पेरीफ्रल सर्कुलेशन सही चल रही है पर अगर उसकी ये जो स्किन है येलो कलर की हो जाती है या फिर ब्लू कलर की हो जाती है देन इट सेज कि पेशेंट को मे बी कोई पेरीफ्रल सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो वो होता है बोगोस टेस्ट तो कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपको सारे टेस्ट का पता होना चाहिए नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा इज नोन एज तो ओरल मिकोजा की

नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इन एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली एंड ओनली वंस तो इनमें से कौन सी मेडिकेशन जो ऑर्डर होती है इमीडिएटली और ओनली वंस ही देनी होती है सिंगल ऑर्डर वाली पी आर एंड ऑर्डर वाली स्टार्ट वाली के स्टैंडिंग ऑर्डर तो इट इज़ नोन एज ऑर्डर लिखते हैं ना स्टार्ट लगा दो इसके ठीक है स्टार्ट पेन किलर लगा दो स्टार्ट एंटीबायोटिक्स लगा दो stat, stat जो है टीटी लगा दो ठीक है सो दैट्स अ ऑर्डर क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे अगर कोई भी बच्चा बैचेस के बारे में सुनना चाहता है अदरवाइज आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो तो सेवन नाइन सेवन थ्री टू पे आज फोर फोर जीरो एट नाइन पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से बात करके फिफ्टीन हंड्रेड का और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से कोई भी बैच जो ज्वाइन कर सकते हो देखो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड होगा बहुत ही कम अमाउंट में ये बैचेज आपको मेरे पास अवेलेबल मिलेंगे थ्री मंथ्स के जो टोटल बैचेज रहेंगे और लाइव एंड रिकॉर्डेड है सबसे पहली बात तो लाइव भी है आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी है और कुछ तो पीडीएफ्स भी आपको बहुत अच्छे वाले मिलने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ठीक है सो so, ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेस क्लियर है उनको मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे उनको ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यू क्लासेस टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर और ये 2500 का बच्चा ये तो ऐसा बैच है कि अगर आप लोगे तो आपका बेसिक जो है जीरो से स्टार्ट होगा नैटवी एंड फिजियोलॉजी करेंगे सब्जेक्ट्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी होंगे टेस्ट सीरीज डाउट प्रीवियस ईयर पेपर तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं चलते हैं हम क्वेश्चन पे सो so, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द प्रीमशिया तो प्री एक्शिया में हमें क्या देखने को मिलता है फेशियल हेयर हाइपोटेंशन वेट लॉस और प्रोटीनो यूरिया सो इट इज नोन एज प्रोटीनो यूरिया जो है हमें किसमें

नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बी एफ यू एच आई आई वॉज लॉन्च्ड बाई ज्वाइंटली तो किसने ये जो लॉन्च किया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव सो ऑप्शन है डब्ल्यू एच ओ एंड रेड क्रॉस डब्ल्यू एच ओ एंड फूड अडल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ एंड डब्ल्यू एच ओ यूनिसेफ एंड एफ ए सो इट्स ऑलवेज यूनिसेफ एंड एफ ए ने ये स्टार्ट किया था ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड जो आपका यूनिसेफ है उसने इसको लॉन्च

ठीक है ना क्योंकि प्रोसेसेस इधर उधर हुए हैं तब तो लेग शॉर्टर है अदरवाइज तो दोनों लेग्स जो है इक्वल होनी चाहिए और ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है तो हमें इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल में बुलाना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है पोजीशन यूज्ड इंसर्टिंग एनजी ट्यूब तो जब आप एनजी एनजी ट्यूब ट्यूब की पोजीशन को इंसर्ट कर रहे हो कौन सी पोजीशन देते हो सुपाइन हाई फाउलर्स लो फाउलर साइड लाइन सो इट्स ऑलवेज गिवन अ हाई इन द पोजीशन और फीडिंग के टाइम पे आप देते हो लो फाउलर्स ठीक है तो दोनों में ये याद रख है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फीटस द लेसेंथेन एंड स्फिंगो रेशो इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ तो बच्चे में लेसेंथेन एंड स्फिंगो रेशो जो है वो किस चीज को इंडिकेट करती है सो इट्स अ फीटल लंग मेच्योरिटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हार्ट रेट एंडो माइरोन जो है टू रेशो वन ये मैं आपको बता देती हूँ और ये रेशो किस चीज़ को रिलायबल किस चीज के लिए हम ये चेक करते हैं तो वो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि किस चीज़ में आप इसको चेक करते हो सो so, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सोशल एनिमल किसने कहा था तो एरेस्ट्रोल ने जो कहा था कि एक मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करने हैं तो नंबर आपके पास है मेरे से बात करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो टाइम वेस्ट मत करो ठीक है बाद में आपको पता है कि आप फिर दो महीने के अंदर कैसे प्रेपरेशन करोगे ठीक so, है ना सो दो बैचेज़ हैं एक है फिफ्टीन हंड्रेड का बैच एक है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का बैच बहुत ही अफोर्डेबल थ्री मंथ्स के फुल फ्लैज लाइव एंड रिकॉर्डेड सबसे बड़ी बात है लाइव और रिकॉर्डेड

1230